आखिर इस देश के लोग मिट्टी से बनी रोटी क्यों खा रहे हैं? इस सांप के काटने से बॉडी से सारा खून बाहर क्यों निकल जाता है? क्या आप दुनिया में मौजूद एक ऐसे देश के बारे में जानते हैं जहां पार्सल के जरिए बच्चों को पोस्ट किया जाता था? या फिर क्या आपको उस त्योहार के बारे में पता है जिसमें लोग खुद को गटर के कीचड़ में गंदा करके शहर भर में घूमते हैं और लोगों से मिलते हैं? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। नंबर वन, ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया में मौजूद कुछ देश बहुत ही गरीब हैं, जिसकी वजह से वहाँ के आम नागरिकों का जीवन बहुत ही मुश्किल से व्यतीत हो रहा है। लेकिन क्या आपने कभी उस देश के बारे में सुना है जहाँ के लोग अपनी भूख मिटाने के लिए मिट्टी में नमक डालकर खाने के लिए मजबूर हैं? जी हाँ, उस देश का नाम हैती है, जहाँ इतनी ज्यादा गरीबी है कि वहाँ के स्थानीय लोग मिट्टी वाली रोटी खाने के लिए मजबूर हैं। मिट्टी वाली रोटी खाने वालों में गरीब और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाला वर्ग शामिल है, जो एक खास तरह की मिट्टी जमा करते हैं और फिर उसमें जरूरत के हिसाब से नमक मिला लेते हैं। इसके बाद उस मिट्टी को आटे की तरह गूंथ कर आग में पकाया जाता है, जिसका सेवन करके यहाँ गरीब परिवार के लोग जीवित रहते हैं। ये बात सुनने में हमें और आपको अजीब लग सकती है, लेकिन हैती की गरीब जनता मिट्टी की रोटी को अपनी भूख शांत करने का सबसे अच्छा तरीका मानती है। हालांकि मिट्टी से बनी रोटी खाने से उन लोगों को पेट दर्द और पथरी जैसी समस्या हो जाती है, लेकिन उनके लिए भुखमरी का सामना करने से बेहतर उस दर्द को झेलना आसान है। इसलिए कभी भी अनाज को बर्बाद ना करें, क्योंकि आप जिस खाने को फेंक रहे हैं उसके लिए कई लोग तरस रहे होते हैं। नंबर टू, अगर आप इस जीव को चींटी समझ रहे हैं तो आप इस गलती को सुधार लीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि चींटी की तरह दिखाई देने वाला हर जीव चींटी ही हो, क्योंकि यह चींटी नहीं बल्कि मकड़ी की एक खास प्रजाति है। इस प्रजाति की मकड़ी को मिर्मा राखनी के नाम से जाना जाता है, जो शारीरिक आकार और बनावट में बिल्कुल चींटी की तरह दिखाई देती है। लेकिन यह मकड़ी बहुत ही खतरनाक और विषैली होती है, जो मुख्य रूप से छोटे कीड़ों और चींटियों को अपना भोजन बनाती है। मिर्मा राखनी स्पाइडर जन्म से ही चींटी की तरह नहीं दिखती है, बल्कि यह वयस्क होते होते अपने शरीर में बदलाव करके चींटी का रूप रंग धारण कर लेती है। ऐसा करने के पीछे मुख्य कारण होता है चींटियों की कॉलोनी में प्रवेश करना और उन्हें अपना भोजन बना लेना। भोजन की तलाश में अपने आप को किसी जीव के रूप में परिवर्तित करने की कला की वजह से मिर्मा राखनी को सबसे बुद्धिमान या चालाक मकड़ी माना जाता है। लेकिन अगर आप माइक्रोस्कोप की मदद से मिर्मा राखनी को ध्यान से देखेंगे तो उसके पिछले हिस्से की बनावट से ये पता चल जाता है कि यह चींटी नहीं बल्कि एक मकड़ी है। लेकिन बेचारी चींटियां इस शातिर मकड़ी के छलावे को समझ नहीं पाती हैं और शिकार होने के लिए खुद उसके पास चली आती हैं। नंबर थ्री, वो कहते हैं ना कि जब इंसान की किस्मत अच्छी होती है तो बड़ी से बड़ा हादसा भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ इस शख्स के साथ, जिसकी खोपड़ी से लोहे की रॉड आर पार हो गई थी, लेकिन फिर यह व्यक्ति जीवित बच गया और उसने अपने आगे की लाइफ आराम से व्यतीत की। दरअसल इस तस्वीर में दिखाई दे रहे व्यक्ति का नाम फिनियस गेज है, जो सन 1848 में एक भीषण हादसे का शिकार हो गए थे। उस एक्सीडेंट में फिनियस की खोपड़ी से एक लोहे की रॉड आर पार हो गई और उनके जबड़े को चीरते हुए बाहर निकल गई। ऐसे में जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, क्योंकि उस एक्सीडेंट में फिनियस के दिमाग के बड़े हिस्से को चोट लगी थी, जबकि जबड़े के आसपास का हिस्सा भी लगभग खत्म हो चुका था। लेकिन इससे पहले फिनियस की बॉडी को अस्पताल से बाहर ले जाया जाता, वे अचानक से होश में आ गए, जिसके बाद डॉक्टर्स ने उन्हें आईसीयू में भर्ती किया। ऐसे में फिनियस के इलाज के दौरान डॉक्टर्स ने उनकी खोपड़ी का जो एक्सरे निकाला वो बहुत ही भयानक था, जिसमें उनकी खोपड़ी के टूटे हुए हिस्सों को आसानी से देखा जा सकता था। लेकिन इतना भयानक एक्सीडेंट होने के बावजूद भी वह जीवित बच गए और कुछ ही महीनों में पूरी तरह से ठीक होकर वापस अपने काम पर लौट गए। इस घटना के बाद फिनियस की पर्सनैलिटी और बर्ताव में काफी बदलाव आ गया था। वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भर गए थे। ऐसे में उनके लिए उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक एक्सीडेंट ही सबसे बड़ी सीख देने वाला साबित हुआ। नंबर फोर, इस तस्वीर को देखकर पहली नजर में ऐसा लगता है कि यह किसी इंसान के हाथ की हड्डी होगी, जो आकार में दानव की तरह दिखता होगा। लेकिन आपकी सोच के बिल्कुल विपरीत, यह हड्डी इंसान के हाथ की नहीं बल्कि व्हेल मछली के फ्लिपर की है। मछली के पूंछ वाले आखिरी हिस्से को फ्लिपर कहा जाता है, जो मछली को पानी में तैरने में मदद करता है। भले ही बाहर से देखने पर व्हेल मछली की पूंछ सामान्य मछली की तरह दिखाई देती हो, लेकिन असल में इसकी बनावट और आकार काफी बड़ा होता है।
व्हेल के फ्लिपर की हड्डी बिल्कुल इंसान के हाथ की हड्डी से मिलती जुलती है, इसलिए जब पहली बार वैज्ञानिकों को यह हड्डी मिली तो वो भी हैरान रह गए थे। हालांकि सोशल मीडिया पर अभी व्हेल मछली के फ्लिपर की हड्डी को दानवीय आकार के मानव के हाथ की हड्डी बताकर लोगों को भ्रमित किया जाता है, इसलिए इस तरह की पोस्ट से दूरी बनाकर रखें। नंबर 5, आपने हॉलीवुड फिल्म हैरी पॉटर में जादुई पौधा देखा होगा जिसकी शक्ल इंसान से मिलती जुलती है और उसकी जड़ों को मिट्टी से अलग करने पर तेज आवाज में चीख पुकार सुनाई देती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह का फिल्मी पौधा असल दुनिया में भी मौजूद है जो सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका के घने जंगलों में पाया जाता है। इस पौधे का नाम मैंड्रेक है जिसकी जड़ों में विशेष प्रकार का जहर होता है, इसीलिए इसे जहरीला पौधा माना जाता है। जमीन के ऊपर मैंड्रेक बिल्कुल सामान्य पौधे की तरह दिखाई देता है, लेकिन इसकी जड़ें बिल्कुल इंसान की शक्ल से मेल खाती हैं। इतना ही नहीं, मैंड्रेक की जड़ों में आंख, नाक और मुंह की आकृति के साथ साथ हाथ और पैर की आकृति भी बनी होती है, जिसकी वजह से घर की सजावट के लिए यह पौधा काफी अच्छा माना जाता है। हालांकि जब मैंड्रेक के पौधे को मिट्टी से अलग किया जाता है या फिर उसकी जड़ों को काटा जाता है तो उसमें से हल्की सी ध्वनि बाहर निकलती है। मैंड्रेक का पौधा जितना बड़ा होता है उसकी जड़ों की आकृति साफ साफ इंसानी शक्ल में तब्दील हो जाती है। यह पौधा विषैला जरूर होता है लेकिन इसके बावजूद भी लोग इसे देखने के लिए अफ्रीका के जंगलों में जाते हैं। नंबर 6, अगर आपको लगता है कि सांप के काटने पर उसके जहर से इंसान की मौत हो जाती है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि धरती पर सांप की एक ऐसी प्रजाति मौजूद है जो इंसान को काटने पर उसके शरीर में मौजूद खून को बहाने का काम करती है। अफ्रीका के जंगलों में पाया जाने वाला ईस्टर्न ग्रीन मांबा सांप की बहुत ही खतरनाक और विषैली प्रजाति है जो दिखने में आकर्षक लेकिन स्वभाव से बहुत आक्रामक होता है। जब यह सांप किसी इंसान को काटता है तो उसका जहर सीधा पीड़ित के खून के साथ मिल जाता है। ईस्टर्न ग्रीन मांबा का जहर इंसान के खून के साथ कुछ इस तरह से रिएक्ट करता है कि पीड़ित का खून हद से ज्यादा पतला हो जाता है। खून के पतला होने की वजह से वह शरीर के अंदर ज्यादा समय तक टिक नहीं पाता है और बॉडी में मौजूद हर छोटे से छोटे छेद से बाहर निकलने लगता है। ऐसे में जब ईस्टर्न ग्रीन मांबा किसी पर हमला करता है तो पीड़ित के आँख, नाक और कान समेत मुंह से खून बाहर निकलने लगता है। ऐसे में ईस्टर्न ग्रीन मांबा द्वारा काटे गए व्यक्ति की मौत शरीर में जहर फैलने की वजह से नहीं बल्कि ज्यादा खून बह जाने की वजह से होती है। यकीनन इस तरह की मौत कोई नहीं चाहता होगा, इसलिए अफ्रीका के इस घातक शिकारी से दूर रहने में ही सबकी भलाई है। नंबर 7, यूं तो दुनिया भर के देशों में अलग अलग प्रकार के विचित्र त्योहार मनाए जाते हैं जिनके पीछे मान्यताएं और लोगों की भावनाएं छिपी होती हैं। लेकिन क्या आपने कभी गटर के गंदे पानी में नहाने और फिर कीचड़ में लोगों से चिपकने वाले त्योहार के बारे में सुना है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस अजीबोगरीब त्योहार को जापान में अक्टूबर के महीने में मनाया जाता है जिसे पंटू फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है। इस दौरान कुछ लोग अलग ही दिखाई देने वाली पोशाक पहनते हैं और मुंह पर मुखौटा लगा लेते हैं। इसके बाद वह लोग गटर के गंदे पानी में डुबकी लगा लेते हैं। ऐसा करने से उनका पूरा शरीर गटर के गंदे पानी में लिपट जाता है, जिसके बाद वह पूरे शहर में घूमकर लोगों से मिलते हैं। इस दौरान कई लोग गटर के पानी से गंदे हुए लोगों के गले मिलते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं और उनके शरीर की गंदगी के संपर्क में आ जाते हैं। ऐसा करने के पीछे जापानियों की मान्यता है कि उस गंदे हुए व्यक्ति के संपर्क में आने से व्यक्ति सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों से दूर हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पंटू फेस्टिवल मनाया जाता है। जापान के लोगों का मानना है कि आप जितना गंदगी के संपर्क में आएंगे उतना ही आपकी बॉडी और परिवार से नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाएंगी और उनका गुड लक आएगा। नंबर 8, वर्तमान में पार्सल डिलीवरी या स्पीड पोस्ट के जरिए किसी भी सामान या लेटर को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जा सकता है जिससे लोगों को काफी सुविधा होती है। लेकिन क्या आप जानते कि साल 1913 में जब पार्सल सेवा की शुरुआत की गई थी तो उसके जरिए बच्चों को भी एक शहर से दूसरे शहर पार्सल कर दिया करते थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस अजीबोगरीब देश का नाम है अमेरिका, जहाँ पार्सल डिलीवरी की सेवा शुरू करने का फायदा सबसे ज्यादा माता पिता को हुआ। दरअसल अमेरिका में रहने वाले एक कपल के पास इतना समय नहीं था कि वे अपने बच्चे को लेकर दूसरे शहर जा सकें, क्योंकि वे अपनी नौकरी में बिजी थे। लिहाजा उन्होंने पार्सल के जरिए अपने बेटे को दूसरे शहर पोस्ट कर दिया जहां उसके दादाजी रहते थे। इतना ही नहीं, पार्सल कंपनी ने भी इस जिम्मेदारी को पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाते हुए बच्चे को सही सलामत उसके दादाजी के पास पहुंचा दिया, जिससे अमेरिका में बच्चों को पार्सल करने का चलन काफी तेज हो गया। इसके बाद जब भी माता पिता को अपने बच्चों को दूसरे शहर, रिश्तेदारों या उनके दादा दादी के घर भेजना होता था तो
तो वह उन्हें पार्सल कर देते थे। इस तरह माता पिता को खुद वहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जबकि बच्चों को पार्सल करने का खर्च भी कम होता था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।